फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज मुंजाल पहला जानी। आज आप सबसे बात करेंगे बच्चेदानी के मुंह यानी कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर आखिर है क्या, ये क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम इस जानलेवा कैंसर से बच सकें। आज हम कोशिश करेंगे इसके बारे में बात करने की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बच्चेदानी के मुँह का कैंसर ये उन कैंसर में से एक है जो औरतों में एक मेजर कारण हो जाता है जान लेने का। अगर हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर की, तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद, और अगर हम लोग विकासशील देशों डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जो मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स में पाया जाने वाला, तो वो है गर्भाशय के मुँह का यानी कि सर्वाइकल कैंसर। आखिर ये होता क्यों है? सर्वाइकल कैंसर ये एक तरीके का इन्फेक्शन है जो कि वायरस, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, के अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन जिस किसी को भी होगा उसे कैंसर होना ही है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और लगभग हर सेक्शुअली एक्टिव फीमेल को ये उनकी लाइफ में किसी ना किसी समय पर रहता ही है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है और इसके साथ ही में वो सब फैक्टर्स भी आ जाते हैं जिससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, तो फिर ये इन्फेक्शन प्रोग्रेस होना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले तो सिर्फ इन्फेक्शन, और अगर हमने उस इन्फेक्शन को सही समय पर पकड़ करके ट्रीट नहीं किया तो फिर ये इन्फेक्शन कन्वर्ट होता है प्री कैंसरस लीजन। प्री कैंसरस मतलब उस स्थिति में पहुंच जाता है जब कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पे भी अगर हमसे चूक हो गई कि हम इसे नहीं पकड़ पाए, तो फिर हो सकता है ये यहीं पे ही रह जाए या ये आगे बढ़ करके कैंसर हो जाए। और फिर डिपेंड करता है कि कैंसर किस स्पीड से और कैसे फैल रहा है, कहाँ कहाँ फैल रहा है, फिर हमें लक्षण आ सकते हैं और अल्टीमेटली एक ये जानलेवा प्रॉब्लम बन जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि क्या वो वजह है जिससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, और हम लोग क्या करें कि हम सर्वाइकल कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ सकें या इससे बच सकें। तो अब हम बात करते हैं कि कोफैक्टर्स यानी कि वो वजह जिससे ये इन्फेक्शन कैंसर में बदलेगा, उसका खतरा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले होता है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। अगर एक से ज़्यादा संबंध बनाए जाते हैं और खासकर असुरक्षित संबंध बनाए जाते हैं, तो उससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। यंग एज में यानी कि कम उम्र में बार बार बच्चे पैदा होना। जब भी बच्चा पैदा होता है तो बच्चेदानी के मुंह पर किसी न किसी तरीके की इंजरी ज़रूर होती है, और बॉडी फिर उस इंजरी को हील करने की कोशिश करती है, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक साइकिल बनता है कि जब भी प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हुई, या आपने अगर मिसकैरेज भी कराया है, तो वो एक साइकिल रिपीट होता है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फिर हीलिंग या ट्रॉमा, चोट लगना, उससे फिर हीलिंग। तो ये सब चीज़ें बच्चेदानी के मुँह पर कैंसर होने के खतरे को बढ़ा देता है। तो बार बार बच्चे पैदा करना या कम उम्र में प्रेगनेंसी को हमें अवॉइड करना चाहिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी कि महावारी के समय पे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना, या सैनिटरी नैपकिन्स के बजाय कपड़े का इस्तेमाल करना, या अगर सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे चेंज नहीं करना। टेम्पोन्स अगर यानी कि उस तरीके के नैपकिन्स जो योनि मार्ग के अंदर में डाले जाते हैं उन्हें टेम्पोन्स बोला जाता है, उसे चेंज नहीं करना या उसे निकालना भूल जाना। और अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो आप टाइमली गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं दिखा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं हो रहा है, अगर हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी कि बीमारियों से लड़ने की ताकत कम है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, खून की कमी है, वज़न बहुत ज़्यादा या ज़रूरत से कम है, तो ये सब वो को फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। और दूसरा संबंध होता है इसका उम्र का, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कैंसर होने का खतरा बढ़ता चला जाता है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम इन को फैक्टर्स को अवॉइड करें, यंग एज में प्रेगनेंसी नहीं लें, बार बार अबॉर्शन से बचें, सेफ़ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में जाएं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को अवॉइड करें, और किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के लक्षण आने पर तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से मिल करके उसका टाइमली ट्रीटमेंट कराएं। इसके अलावा हम कैसे जानें कि ये कैंसर है या होने वाला है या नहीं? तो
अगर हम इसे समझना चाहते हैं तो दो बातों का समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर केसेस में ये कैंसर शुरुआती स्टेजेस में एसिम्प्टोमेटिक यानी कि कोई भी लक्षण नहीं देते हैं। जब ये कैंसर फैल जाता है तभी इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और वो लक्षण क्या हो सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है माहवारी में गड़बड़ी होना, कि पीरियड्स का कोई एक नियमित पैटर्न नहीं रहता है, वो कभी भी आता है कभी भी जाता है, फ्लो कम हो सकता है ज़्यादा हो सकता है, योनि मार्ग से खून से मिला हुआ मतलब जिसे हम बोलते हैं ब्लड एडमिक्स्ड डिस्चार्ज बहना चालू हो जाता है, या कभी कभी संबंध बनाने के बाद जब जब आप अपने पार्टनर से संबंध बना रहे हैं उसके बाद ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये वो लक्षण है जो हमें बताते हैं कि बच्चेदानी के मुंह पे कैंसर हो सकता है। लेकिन जब तक ये लक्षण स्टार्ट होते हैं ज़्यादातर केसेस में ये कैंसर अपनी शुरुआती स्टेज को भी पार कर चुका होता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम किसी ऐसे तरीके को पकड़ें जिससे हम ये कैंसर एकदम शुरुआती लक्षण में ही या ये जब प्री कैंसरस यानी कि उस स्थिति में है जब कैंसर होने का खतरा है हम उसे तभी पकड़ सकें। और इसके लिए एक बहुत सिंपल और साधारण सी जांच है जिसे हम बोलते हैं पैप टेस्ट, पैप स्मियर। इसमें ना तो किसी प्रकार का दर्द होता है, ना इसमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत होती है, ना ये कोई किसी तरीके का ऑपरेशन है, कि साधारण सी जांच है जिसे हार्डली 2-3 मिनट लगते हैं और ओपीडी में ही किया जा सकता है। इसमें कुछ नहीं, केवल एक इंटरनल चेकअप के ज़रिए आपके बच्चेदानी के मुँह से कुछ सिक्रीशंस टेस्ट के लिए ली जाती हैं और उसकी जाँच करके देखा जाता है कि क्या इसमें कैंसर के या कैंसर के शुरुआती लक्षण तो नहीं है। अगर हम लोग ये कैंसर को पकड़ लेते हैं या हमें पैप स्मियर में अगर हमें किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है या क्लैरिटी नहीं आती है तो फिर हमें किसी किसी केस में कॉल्पोस्कोपी, कॉल्पोस्कोपी मतलब बच्चेदानी के मुंह का माइक्रोस्कोपिक एक सूक्ष्म जांच करना और ये जानने की कोशिश करना कि क्या इसमें हमें किसी तरीके के कैंसर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और अगर हमें डाउट होता है तो इसको कंफर्म करने के लिए फिर हम कॉल्पोस्कोपी की मदद से टारगेटेड यानी कि जहां हमें सबसे ज़्यादा शक लग रहा है उस हिस्से से टुकड़ा जांच जिसे हम बोलते हैं सर्वाइकल बायोप्सी, टुकड़ा जाँच करने के बाद कन्फर्म किया जा सकता है कि कैंसर है और अगर है तो किस तरीके का है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि हमें इतनी ख़राब होने की स्थिति का वेट करना ही नहीं चाहिए। पैप स्मियर के ज़रिए हम लोग बहुत आसानी से और बहुत ही शुरुआती स्टेज में और ज़्यादातर केसेस में इनफैक्ट जब कैंसर हुआ ही नहीं है, सिर्फ शक है कि आगे जा कर के कैंसर होने का खतरा ज़्यादा है, हम इसे पकड़ सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर सेक्शुअली एक्टिव फीमेल को रेगुलर 1-2 साल में एक बार पैप स्मियर ज़रूर कराना चाहिए। और अगर वो रेगुलरली नॉर्मल आ रहा है तो 3-4 साल में भी अगर हम एक बार पैप स्मियर कराते हैं तो हम इस जानलेवा बीमारी को समय से पहले ही पकड़ सकते हैं। इसके अलावा जो आजकल आ रखा है वो है सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, जिसे हम लोग बोलते हैं बीमारियों से लड़ने की ताकत को शरीर में बीमारी होने से पहले ही डेवलप करना वैक्सीनेशन का ये पर्पस रहता है। जैसा कि हम सब जानते हैं और हमने अभी बताया भी कि सर्वाइकल कैंसर मेनली एक इन्फेक्शन है, एक वायरल इन्फेक्शन है। तो अगर हम लोग अपने शरीर में इस वायरस को ख़त्म करने का इम्यूनिटी पहले ही डेवलप कर लें तो इस कैंसर से बचा जा सकता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है समय से इस वैक्सीन को लेना। अगर हमारे शरीर में ऑलरेडी ये इन्फेक्शन हो चुका है, घर बना चुका है, तो इस वैक्सीन का कोई रोल नहीं है। तो खासकर यंग गर्ल्स जिनके पीरियड्स अभी स्टार्ट हुए हैं, वो फीमेल्स जो सेक्शुअली एक्टिव नहीं हुई हैं, अगर वो कैंसर वैक्सीन का, इस बच्चेदानी के मुंह के कैंसर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, उसको प्रॉपर डोज में लेते हैं, तो ये वो सही एज ग्रुप है जब हम इस वैक्सीनेशन के इस्तेमाल से इम्यूनिटी डेवलप करके कैंसर सर्विक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो सिर्फ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, सेफ सेक्स में जाइए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को अवॉइड करिए, सही समय में बच्चा पैदा करिए, ज़्यादा बच्चे पैदा करना या अबॉर्शंस में जाना इस चीज़ को अवॉइड करिए, तो सही गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मतलब कि माहवारी के समय में साफ़ सफाई का ध्यान
वैसे भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी है, लेकिन माहवारी के समय में साफ़ सफाई का ध्यान ज़रूर रखें। सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करिए, उसे फ्रिक्वेंटली चेंज करिए। अगर हम ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हम इस जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं या सही समय पर इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। थैंक यू।